बिहार के औरंगाबाद जिले में धड़ल्ले से अवैध बालू का कारोबार किया जा रहा था। इसे लेकर पुलिस की टीम बालू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची थी, लेकिन मामला उल्टा पड़ गया। पुलिस के वहां पहुंचते ही बालू माफिया द्वारा हमला किया गया, कई राउंड फायरिंग की गई। इस हमले में प्रभारी थाना अध्यक्ष समेत कई पुलिसकर्मी बाल बाल बच गए। बिहार में पीला सोने से काली कमाई कर रहे नक्सली, करोड़ों के हो रहे व्यारे न्यारे। मामला रफीगंज थाना क्षेत्र के कब्जा नदी के ईट भट्टा के पास का है। ईट भट्टा के पास पुलिसकर्मी जैसे ही छापेमारी करने पहुंचे, करीब 25 से 30 की संख्या में ग्रामीणों ने लाठी डंडा लेकर उन्हें घेर लिया। औरंगाबाद से विनय प्रसाद साहू की रिपोर्ट।